हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर गर्ल्स, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे वायु से फैलने वाले रोगों के बारे में। और इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि संक्रामक रोग क्या होते हैं और जल से फैलने वाले कौन कौन से ऐसे संक्रामक रोग हैं जो कि एक स्वस्थ व्यक्ति को है अस्वस्थ कर देते हैं और संक्रमण द्वारा जो है उनको पीड़ित करते हैं। तो संक्रामक रोगों के अंतर्गत जो है जल से फैलने वाले रोगों में हमने बात की थी, हैजा है, पेचिश है, अतिसार है, टाइफाइड है, ठीक है। और उनसे उनके रोग के कारण क्या होते हैं, उनके लक्षण, बचने के उपाय, सावधानियां, तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो वायु से फैलने वाले रोग जो होते हैं जैसे कि निमोनिया है, खांसी, जुकाम, क्षय रोग है, संक्रमण जो है वो वायु द्वारा उनका संक्रमण फैलता है। खांसते हुए, छींकते समय या रोगी के नाक मुँह से जो निकली जैसे कि बूंदें होती हैं, ड्रॉपलेट्स होती हैं, तो उनसे जो अगर उनके पास खड़ा हुआ व्यक्ति है वो श्वास के माध्यम से फिर उसके जो जीवाणु हैं वो उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। साथ ही अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले जो कहीं क्षेत्र है तो उसमें वायु द्वारा फैलने वाले रोगों के संक्रमण की संभावना अधिक रहती है। जैसे कि हम जानते हैं बच्चों की, जैसे कि कोविड-19 में आज के समय में भी हम एक तरह से ये जो कोविड-19 है ये इसी तरह का एक संक्रामक रोग है कि जो संक्रमित व्यक्ति है उसके श्वास द्वारा जो वायरस है वो वायु में प्रवेश कर जाता है, ठीक है, उसके खांसने से, छींकने से। और फिर जब स्वस्थ व्यक्ति उसी वातावरण में श्वास लेता है तो वो वायरस उसके बॉडी में, उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है जिससे वो संक्रमित हो सकता है। तो इसी तरह से वायु से फैलने वाले विभिन्न रोगों के बारे में आज हम बात करेंगे, जैसे कि निमोनिया है, खांसी, जुकाम है, इन्फ्लुएंजा है, टीबी है, तो ये सब वायु से फैलने वाले रोग होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गर्ल्स कि संक्रामक जुकाम, सबसे पहले बात करते हैं जिसे हम साधारण भाषा में कोल्ड कफ भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको जो है संक्रामक जुकाम या इन्फ्लुएंजा इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। श्लेष्मिक जो है इसका ज्वर सामान्य वायरल संक्रमण घातक भी हो सकता है और विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले समूह में, यानी कि अभी हमने कहा कि जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है वहाँ पर जो अगर कोई भी एक संक्रमित व्यक्ति है तो उसके खांसने से, छींकने से जो भी उसके ड्रॉपलेट्स हैं वो वायु में प्रवेश कर जाते हैं और फिर वहाँ पर जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको ये संक्रमण हो सकता है। और साथ ही फ्लू जो होता है फेफड़े, नाक और गले पर हमला करता है। नौजवान जो यानी कि यंग एज के हैं, उम्र दराज लोग हैं, गर्भवती महिलाएँ हैं और उन लोगों में जिनके जो है पुराने रोग हैं, शारीरिक रोग से लड़ पाने की क्षमता जिसमें कमज़ोर होती है या जैसे कि हम कहें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो उनको ज़्यादा खतरा रहता है। जैसे कि अभी कोविड-19 को हम देख रहे हैं कि जिनकी इम्यूनिटी ज़्यादा कमज़ोर होती है तो उनको ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, या जिनको क्रॉनिक डिसीज़ है जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ओवरवेट है, ओबेसिटी है, तो इन व्यक्तियों की रिकवरी जो होती है वो जल्दी से नहीं हो पाती है, उनको ज़्यादा संक्रमित करता है। यह कैसे फैलता है ये देखते हैं कि जो इन्फ्लुएंजा होता है, जो सादा जुकाम होता है, सामान्य जुकाम, वो खांसते या छींकते समय हवा के साथ निकलने वाली छोटी छोटी बूंदों से फैलता है। किसी गंदे या मैले जैसे कि कंबल है या कोई भी चीज़ आप टच कर रहे हैं जो संक्रमित व्यक्ति द्वारा छुई हुई है उसको छूने से, मुंह के लार से, चुंबन करने से या किसी का झूठा खाना खाने से, त्वचा के संपर्क में होने पर उससे हाथ मिलाना या गले लगाने से भी इन्फ्लुएंजा फैलता है। लक्षण की बात करें बच्चों इसके, तो आमतौर पर खुद पता लगाया जा सकता है इसके, जैसे कि सामान्य लक्षण कि बुखार आना, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द होना, खांसी है, रक्त संचार जो है, नाक बहना, सिर दर्द और थकान, ये तो सब इसके सामान्य लक्षण होते हैं जो खुद महसूस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गर्ल्स इसके इलाज के बारे में कि उपचार में जो है इसके तरल पदार्थ और गतिविधि में बदलाव लाना चाहिए। गतिविधि यानी कि अपनी जीवन शैली में, अपने कार्य करने के क्षमता, अपने कार्य करने के तरीकों में, अपने जो लाइफ स्टाइल है, अपने खाने खाद्य संबंधित जो आदतें होती हैं उसमें बदलाव लाना चाहिए। साथ ही फ्लू का इलाज आमतौर पर आराम और तरल पदार्थ लेकर किया जाता है ताकि शरीर संक्रमण से स्वयं लड़ सके। और पैरासिटामोल लक्षणों के उपचार में सहायक हो सकती है, जैसे कि अगर बुखार है तो पैरासिटामोल ली जा सकती है, ठीक है। नेसाइड से बचना चाहिए, वार्षिक टीके से फ्लू से बचने में मदद मिलती है और उसकी जटिलता भी इससे कम हो जाती है।
निमोनिया। नेक्स्ट आप बात करते हैं वायु से फैलने वाले रोग में निमोनिया। निमोनिया भी क्या है बच्चों, एक श्वास संबंधी रोग होता है जो फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, फेफड़ों का संक्रमण होता है इसमें मुख्य रूप से, फेफड़े संक्रमित होते हैं और यह मुख्य रूप से विषाणु या जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। यह बैक्टीरिया है, वायरस अथवा पैरामाइटिस के कारण भी हो सकता है। और इसके अलावा निमोनिया सूक्ष्म जीव, कुछ दवाओं और अन्य रोगों के संक्रमण से भी हो सकता है। निमोनिया के लक्षण लक्षण जो है इसके जो होते हैं वो निमोनिया के फ्लू जैसे ही होते हैं। विशेषकर जैसे कि निमोनिया के मुख्य लक्षण खांसी है, क्योंकि ये फेफड़ों पर इफ़ेक्ट डालता है, तो खांसी है, साथ ही थका हुआ शरीर रहना, कमजोरी महसूस करना, बलगम वाली खांसी, ठीक है, रोगी को बुखार और पसीना, कपकपी छूटना, रोगी को सांस लेने में कठिनाई होना या फिर तेज़ी से सांस जो है लेने में जो है वो तेज़ी से वो हाँफने लगता है, सांस आने लगती है उसको, साथ ही सीने में दर्द होना, बेचैनी महसूस होना, भूख कम लगना, तो ये सब जैसे कि नॉर्मल वायरल में होते हैं, इन्फ्लुएंजा में पढ़े हमने। लेकिन इसमें जो मुख्य रूप से जो होता है वो खांसी होती है और खांसी के साथ जो होता है वो कफ होता है, ठीक है, बलगम वाली खांसी होती है। निमोनिया के 5 प्रकार देखे गए हैं, कौन कौन से, बैक्टीरियल निमोनिया। यह विभिन्न बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण, निमोनिया के कारण होता है, यानी कि इसके जो बैक्टीरिया है इसके जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तब होता है जब शरीर कमज़ोर होता है, यानी कि जब इम्यूनिटी कम होती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तब यह जल्दी होता है। और किसी तरह की बीमारी, पोषण की कमी है, बुढ़ापा तो होता है, तो ऐसे में जो होता है बैक्टीरिया जो होता है वो निमोनिया का प्रभाव जल्दी छोड़ता है और बैक्टीरियल निमोनिया सभी उम्र को प्रभावित कर सकता है। तो इसका जो बैक्टीरियल निमोनिया है इसमें मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है कि जो बैक्टीरियल निमोनिया है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण होता है। वायरल निमोनिया, इस प्रकार का निमोनिया जो होता है, इन्फ्लुएंजा, फ्लू जो हमने पहले पढ़ा कि सादा जुकाम, खांसी, बुखार होना, इसमें विभिन्न वायरल के कारण होता है। यदि आपको वायरल निमोनिया है तो बैक्टीरियल निमोनिया होने के अधिक, यानी कि एक तरह से अगर वायरल निमोनिया है तो वो हल्का फुल्का खांसी जुकाम होकर वो सही हो जाता है, लेकिन अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो ऐसी स्थिति में वो धीरे धीरे जो होता है वो बैक्टीरियल निमोनिया का रूप धारण कर लेता है, जो कि डेंजरस होता है। नेक्स्ट, माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया। इसके लक्षण कुछ अलग होते हैं दोनों से। ये माइक्रोप्लाज्म निमोनिया नामक जीवाणु के कारण होता है। और एस्पिशेशन निमोनिया की बात करें तो इस प्रकार का निमोनिया किसी भोजन, तरल पदार्थ या धूल से होता है, यानी कि दूषित भोजन से। ठीक है, निमोनिया के इस प्रकार की कभी कभी ठीक करना इस प्रकार के निमोनिया को मुश्किल हो जाता है। यानी कि एक तरह से देखा जाए बच्चों की ठंडी चीज़ खाने से या ठंडा पानी पीने से, कोल्ड ड्रिंक का यूज़ करने से, तो इस तरह का जो निमोनिया होता है वो जल्दी होता है। एस्पिरेशन निमोनिया की बात करें तो इस प्रकार का निमोनिया भी हमने बात की तरल पदार्थों से होता है। फंगल निमोनिया, यह विभिन्न स्थानों अन्य कारणों जैसे फंगस से होता है, यानी कि स्किन डिसीज जैसे कि त्वचा संबंधी निमोनिया होने के कारण की बात करें बच्चों, तो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या अन्य जीवों से निमोनिया हो सकता है। कई प्रकार के जीवाणु से भी निमोनिया होता है। ज़्यादातर मामलों में जो निमोनिया करने वाले जीव होते हैं वो बैक्टीरिया और वायरस ही होते हैं, का पता जो है परीक्षण से भी नहीं लगाया जा सका। यानी कि जो मुख्य रूप से इसका वायरस या बैक्टीरिया का पता जो है आज तक परीक्षण के द्वारा भी नहीं लगा पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें जो होता है वो फेफड़े संक्रमित होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों रोकथाम इसकी, कि रोकथाम में टीकाकरण, पर्यावरणीय उपाय और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का उपयुक्त उपचार शामिल होता है इसके अंतर्गत। और यह भी माना गया है कि उपयुक्त रोकथाम वाले उपाय वैश्विक रूप से स्थापित किए जाते हैं, बच्चों में मृत्यु दर को जो है 4 लाख से कम किया जा सकता था, और यदि वैश्विक रूप से उपयुक्त उपचार उपलब्ध हो तो बचपन में होने वाली ग्राम वाली मौतों में से 6 लाख को कम किया जा सकता है। टीकाकरण संपादित इसमें करें तो टीकाकरण कुछ बैक्टीरिया और वायरस जनित निमोनिया के विरुद्ध बच्चों तथा वयस्क दोनों में ये रोकथाम करता है। पोलियो की बात करते हैं बच्चों, की जो पोलियो रोग है वो भी एक तरह के वायरस के द्वारा ही फैलता है। अक्सर पोलियो, इसको पोलियोमाइटिस भी कहा जाता है, और वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है जो आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित वो हो सकता है। खाने के माध्यम से भी फैल सकता है। इसे बाल स्तंभ, बाल पक्षाघात या बहुदृशा एंसेफलाइटिस भी कहते हैं, और यह एक उग्र स्वरूप बच्चों में होने वाला रोग है जिसे मेरुरज्जू के अष्टसंग तथा उसके अंदर स्थित दूसर वस्तु में जो है अपभ्रंशन हो जाता है, और इसके कारण चालक पक्षाघात
यानी कि कभी कभी पैरालिसिस जैसी स्थिति भी देखने को मिलती है। और इस रोग का जो है उपसर्गी कारण एक प्रकार का विषाणु होता है जो कफ, मल, मूत्र, दूषित जल तथा खाद्य पदार्थों में विद्यमान रहता है और मक्खियों एवं वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसारित होता है। देखिए बच्चों, ये हमने पहले भी पढ़ा कि वायु द्वारा फैलने वाले रोगों के साथ साथ मक्खियाँ भी जो होती हैं वो चीज़ों को दूषित करने का सबसे बड़ा वाहक होती हैं, संवाहक मानी जाती हैं। ठीक है, वो एक स्थान पर, गंदी स्थान पर बैठकर अपने रोग के जीवाणु जो होते हैं वो अपने पैरों से चिपका लेती हैं और फिर वो जो है हमारे शुद्ध भोज्य पदार्थों पर बैठकर या खुले जो भोज्य पदार्थ हैं, कटे हुए भोज्य पदार्थ हैं उन पर बैठकर वो जो जीवाणु के कण हैं, रोगाणु के, उन पर छोड़ देती है और फिर वो जब वो स्वस्थ व्यक्ति उनको ग्रहण करता है तो वो भी वो संक्रमित हो जाता है। और साथ ही लड़कियों से अधिक यह लड़कों में हुआ करता है पोलियो तथा बसंत और ग्रीष्म ऋतु में इसकी जो बहुलता है वो ज़्यादा होती है। जिन बालकों को की कम अवस्था में ये जो होता है वो टॉन्सिल का जो शल्यकर्म करना पड़ जाता है और उन्हें ये रोग होने की संभावना और अधिक हो जाती है। हल्का संक्रमण इसमें रहता है, फ्लू जैसे लक्षण ही इसमें होते हैं। साथ ही अगर इसके बात करें तो लक्षण मस्तिष्क और मेरुदंड का मध्य संक्रमण, पेट में दर्द, मांसपेशियों में जकड़न, ठीक है। और इसके प्रति जो है उपचार के लिए एक प्रकार का टीका, BCG का टीका जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो इसके लिए बनाया गया। देखिए, काफ़ी हद तक पोलियो को हमारे देश से समाप्त कर दिया गया है और टारगेट यही है कि 2023 लक्षित है कि 2023-24 तक पोलियो को पूरे विश्व, पूरे हमारे देश से समाप्त कर दिया जाए। और काफ़ी हद तक इस पर कार्य किए भी जा रहे हैं और अब तक पोलियो से होने वाले बच्चों की जो मृत्यु दर है वो भी काफ़ी कम हो चुकी है पोलियो के टीकाकरण के द्वारा, पोलियो वैक्सीन के द्वारा। ओके गर्ल्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में।